अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी विद आमना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो सबसे फर्स्ट टिप क्या है, अपने टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज लें। आपको अपने टॉपिक के कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। जब आप अपने टॉपिक को 100% प्रिपेयर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपका मिस्टेक करने का चांस बहुत ज़्यादा कम होगा और इसे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अपने टॉपिक को ऑर्गेनाइज करें। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एक पॉइंट के बाद आपने नेक्स्ट कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। जब आपका टॉपिक कम्प्लीटली अरेंज होगा तो आपका अपने ट्रैक से जो है वो लॉस्ट होने का चांस कम होगा और इससे आपकी नर्वसनेस में कमी होगी। प्रैक्टिस करें अपने टॉपिक को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स और फैमिली के सामने, और ऐसे लोगों के सामने जिनके सामने आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके सामने अपने टॉपिक को प्रैक्टिस करें और उनका फीडबैक लें। इसके अलावा आपकी जो प्रेजेंटेशन की प्लेस है, वाइट बोर्ड पर जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज हो सके। स्पेसिफिक वरीज को चैलेंज कीजिए। जो क्वेश्चन आपके ऑडियंस आपसे कर सकते हैं उनको एडवांस में प्रिपेयर कीजिए ताकि एंड टाइम पे आपको कोई भी ज़्यादा इतनी वरी ना हो और आप इजीली आंसर कर सकें। अपने सक्सेस को विजुलाइज करें पॉजिटिविटी के साथ कि आप कैसे अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और 100% सक्सेसफुल रही है। तो इस तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए स्टेज पे जाने से पहले। कुछ डीप ब्रीथिंग कीजिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें। अपने मटेरियल पर फोकस करें। जैसा कि ऑडियंस न्यू मटेरियल में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको अपने मटेरियल कम्प्लीटली 100% तक प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप अंदर से अपने ट्रैक को लॉस्ट कर देते हैं तो साइलेंस के मोमेंट से बिल्कुल भी आप फेयर ना कीजिए, बल्कि जो एक साइलेंट का मोमेंट होता है जो कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होता है, वो सिर्फ आपको फील हो रहा था कि आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टॉप हो गए, लेकिन ऑडियंस इतने से टाइम को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते। और कुछ एडिशनल टिप्स हैं। अपनी सक्सेस को रिकॉग्नाइज कीजिए। जब आपने प्रेजेंटेशन दे दिया तो अपने आप को इनकरेज कीजिए ताकि आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सपोर्ट लीजिए कि अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को कैसे कम किया जा सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू गेट मोर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।